हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हैं शिवडाव कोल्हापुर में और ये है हमारा फार्म हाउस है और ये हमारा रिसॉर्ट भी है। एक छोटा सा ग्लांस। और वहाँ पे अंकल भी हाय बोलते हुए दिन यहीं पे रहने वाले हैं। ये और एक आसपास में एक अच्छा स्पॉट है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे, तो वो भी देखेंगे कैसा है। और ये मेरे भाई का सजेशन है, वो स्पॉट अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो उसको पता है मैं उसका हाल क्या करूँगा। आज चिल करेंगे कि ये कैसे पार करे क्योंकि दूसरा रास्ता तो है नहीं। चल नो लेट्स गो। ओह माय गॉड, वो है हमारी तारा और ब्रूनो भाई बहन है। बट आप यकीन नहीं करेंगे, ब्रूनो तारा से एक साल बड़ा है। और ये हमारी तारा, यो तारा, डोंट जंप। इससे थोड़ा दूरी खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि उसके नेल्स बहुत शार्प है। एंड अभी हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तारा को। यार अरे ब्रूनो, एंड ये चली गई हमारी तारा। चली गई वो कुठे? ऊपर चली गई। कुठे जा रहा है? ऊपर। ये हमारा है 200 सीसी का इंजन। देखना है ये कैसे भागता है। ये 200 सीसी के इंजन को मैं स्टार्ट करूं, बोलो आप, जस्ट छोड़ दूं तो ये इसकी स्पीड देखना। बस छोड़ दिया है मैंने, इंजन बंद पड़ गया। चलो आगे जाके छोड़ते हैं इसको। ये एक तारा के पाव देख भाई। ओके, तो तारा के पैर जो कि किसी शेर से कम नहीं है, शेर जैसे पैर है हमारे तारा के। और इसके देखो, ऐसा लग रहा है कोई चूहा है, चूहे के पैर वर्सेस तारा दिख रहे शेर के पैर। रोल इट बुगाटी। अरे वाह, चलता फिरता वैक्यूम क्लीनर। ओह माय गॉड, गुड गर्ल तारे। एक स्पॉट जो मैंने बोला था वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वो पास ही में है, 1-2 किलोमीटर के रेडियस में है। बट जो कि हम जंगल में से जाने वाले हैं। रास्ता देख लो आप कैसा है। तो ये जंगल में से जाने को लगेगा, आई गेस 10-15 मिनट्स तो लगेगी इजी। और गाड़ी का टायर स्लिप भी हो रहा है। भी गायब हो जाता है पूरा पानी की वजह से, तो वो तो है क्योंकि हम जंगल में है, हमारा रिसॉर्ट है, तो ये हमारा आने जाने का रास्ता है। रास्ता भी मतलब गायब हो जाता है, जरूर आना तो बनता ही है। रास्तों से जाते हुए अभी हम ये स्पॉट पहुंच गए। गाड़ी हमने हमारी यहाँ पे पार्क कर ली है एंड
कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे देखो, लाइक ऐसा पुणे में तो देखने को नहीं मिलता फॉर। और हम चलेंगे, चलो एक्सप्लोर करते हैं स्पॉट। मैंने तो चप्पल पहनना ही प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पे बहुत कीचड़ होता है। जैसे ही हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, फॉग आते जा रहे हैं। कितना चलना है अभी? अभी लाइक 1 किलोमीटर तो हमें चलना है। और इसको जैकेट नहीं मिल रहा था तो इसको इतना बड़ा जैकेट दे दिया हमने। वाह, यहाँ पर कोई एनिमल्स है? हो सकते हैं। यहाँ पे तो वैसे बाइसन है, बेर है, फिर ब्लैक पैंथर भी देखा है यहाँ पे लोगों ने। एक ब्लैक पैंथर को भी पकड़ा भी था जो आसपास के गांव में आया था एक बार, एंड उसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, पता है। तो मतलब तू वेदर देखना भाई, वेदर ऐसा वेदर देखा है तूने? नहीं। ये हमारे गारगोटी के पास में होता है ऐसा, एंड बारिश आ गई है, ओ माई गॉड। एंड हमारे पास छाता बस एक ही है जो कि पीछे से लेके आ रहे। बिजली बिजली तो नहीं गिरेगी ना? आसपास तो बहुत सारे लाइक पेड़ है, और मैंने सुना है कि पेड़ के ऊपर हमेशा बिजली गिरती है। अभी गिरी तो गिरी, उसमें क्या है। ओ बारिश तेज हो रही है, माय गॉड। भाई बारिश तो काफी तेज है एंड हम तो भीगने वाले हैं, तो हमने ये उम्मीद छोड़ दी है कि हम नहीं भीगेंगे, तो अभी चलेंगे, बस चलते रहो एंड हमें बस वो व्यू देखना है। भाई चलो फास्ट। मुझे एक चीज पूछनी है। क्या? क्या मैं अभी इंडिया में हूँ? तुम इंडिया में नहीं हो तो? ये जन्नत है भाई, जन्नत। ये जन्नत है। वाह, अभी हम एक मस्ती जगह पर आया है जहाँ पर एकदम मस्त सा पानी बह रहा है और बहुत सारी चीजें, लाइक कितनी हरियाली है। और हम जैसे ही यहाँ पर आए बारिश रुक गई। अरे मतलब ये तो सबसे अच्छी बात हो गई, बारिश रुक गई तो हम आराम से ये व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखो ये, अरे क्या कर रहा है यार भाई, क्या पॉइंट था इसका, क्या पॉइंट था? नशे बोलते से नशे, नशे रुक। डन 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 डन। यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है एंड यहाँ से आगे जा रहा है। हाँ चल पुशअप्स करके दिखा, चल चल 10 कर दे। 1 2 3 4 5 पाँच ही भाई, तू करके दिखा ना। मैं करके दिखाऊं क्या, कितने मारू बता भाई तू? 10 10। और अगर किए तो भाई, किए तो तुझे क्या लगता है मैं भीगने से डरता हूँ? हाँ डरता है भाई तू, पता मुझे। चल चल करके दिखा भाई। अभी अभी ये चाबी पकड़ ले तू ना, इसने चैलेंज दे दिया है तो अभी तो करना ही पड़ेगा भाई। रेडी? तू बोल रहा है इसलिए कर रहा हूँ भाई, कर ना तू। भीग जाऊंगा यार। हाँ भाई इसलिए तो बोला था मैंने भाई, ये ले ले, दोनों करते हैं एक साथ। चल आ जा भाई मैदान में, आ जा, आ जा यहाँ पे। रेडी सेट गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डूब रहेगा। ब्रो चाबी ए रख ले अपने पास, रख ले, मैं भीग गया हूँ पूरा। चाबी अपने पास रख ले। एपिक। ए अरे भाई मोटरसाइकिल भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ भाई लास्ट। चलने में मजा है वो मोटरसाइकिल में। कहा
ये बात तो सही बोली तुमने भाई। चलो लेट्स गो भाई। हाथ देखो, हाथ देख लो हमारे भाई। मेरे इधर पत्थर बहुत थे। मेरे इधर क्या कम थे भाई? तुझसे ज्यादा तो मेरे पे थे, क्योंकि तेरे हाथ है ना सॉफ्ट है लड़कियों की तरह। भाई आप ये इसे बोलते हैं ये खून पसीने के हाथ है भाई। खून पसीना कैसा खून पसीना कर दो? चार हाफ मर्डर किए हैं मैंने। चार हाफ मर्डर तो चार मच्छरों को मारा है मैंने आधा। चलो 14-4 के भरपूर धोक्यामुळे ती सहसा नसतो देत, तर त्याच्याकडे लक्ष ठेवून न जाता सहल आनंदी बनवावी। सांगितल्याबद्दल थँक्यू। ओके चला थँक्यू। भाई शाउट आउट अंकल को शाउट आउट। ओके तो अभी हम यहाँ से जा रहे थे तो अंकल ने हमें कुछ हेड्स अप दिए, बोला है कि आगे एक हनी बी का एक टाइप होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, एंड जो हम अभी जहाँ से जाने वाले हैं वो रास्ते में हैं वो, तो वो बोले कि वो दो ट्रीज के बीच में से जाना तुम अवॉइड करो, थोड़ा साइड से निकलो क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। तो उसके लिए मैं अंकल का थैंक यू बोलूँगा अंकल को। ओके तो इसने मुझे ओपन चैलेंज किया है कि ये मुझे रेस में हराएगा, तो अभी इसके लिए कहता हूँ। बट इसके पास एक एडवांटेज है, इसने अपने क्रॉक्स स्पोर्ट्स मोड में डाले और वेरेस मैंने चप्पल पहने हैं, तो चप्पल में भागना तो डिफिकल्ट है, वेरेस इसके पास स्पोर्ट्स मोड है। कौन सी जान? वो पुणे में है भाई। पुणे में नहीं, मेरी माँ की बात कर रहा हूँ मैं। आंटी देखो आंटी क्या क्या कर रहा है लड़का। उतर लेके जा रहे थे और थोड़ी मुश्किल होते होते उतर के चल रहे हैं, एंड मेरा कैमरा क्वालिटी ब्लर हो गया क्योंकि पानी गिरते ही जा रहा है मेरे कैमरा पे। बट हम नहीं रुकेंगे, कितनी भी बारिश हो हम स्पॉट तक पहुंचेंगे। तो उन्होंने निकाल ली अपने की वजह से मैं ठाकुर बन गया। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे भाई। जॉर्डन्स का सोल मिला हमें। जॉर्डन्स का 80,000? 80,000 भाई। अरे बट ये तो डुप्लीकेट लग रहा है। सरोजिनी ये है भाई। सरोजिनी मार्केट। खतरनाक तरीके से टू व्हीलर चलाते हुए अपनी लाइफ रिस्क कर रहे हैं। लाइफ रिस्क में डाल के ऐसे मत आओ प्लीज़। भगवान ने हम सबको दो दो पैर दिए चलने को, तो उनका भी थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ही मज़ा है यार, टू व्हीलर एंड तक लेके जाओ, चलो नहीं इसमें तो कोई मज़ा नहीं। थोड़ी देर पूर्व पहले तू बोल रहा था कि फोर व्हीलर रहते इधर भाई। तू मेरे व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट टाइम से तू मेरे व्लॉग में नहीं। व्लॉगर को कॉन्ट्राडिक्ट कभी नहीं करते। इंसान का मन परिवर्तित हो सकता है। देखो देखो कितना रिस्क लेते हुए, इतना रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे कुछ लोकल स्टंट करते हुए यहाँ पे लगता है माँ बाप को कि अपने बेटे कॉलेज में जाके पढ़ रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। मेरे इधर क्यों दिखा रहा है? इधर भी दिखाना। मैं दिखा रहा हूँ ना, बट कॉलेज छोड़ के यहाँ पे आके स्टंट करते हैं। आज संडे है, मैं तो आने वाला था। अच्छा तो आज कॉलेज नहीं है, तो उनके माँ बाप को भी शायद पता है कि बच्चे यहाँ पे आके स्टंट करते होंगे।
क्रैब। ओह अरे झाड़ी के नीचे चला गया। काटिए ना थाम थाम काटिए। दो है क्या? नहीं एक ही है भाई, एक ही है। तो अभी हम ये क्रॉस करेंगे। और यशराज डूब जाएगा। और ये पागल को देखो, कापा, हमारा कापा। इतने डीप पानी में वो चल रहे हैं भाई। कापा मिल गया यार, कापा मिल गया यार। घर वालों को लगता है कि इनके बच्चे लोग देखो गाड़ी सेफ चलाते हैं, बिल्कुल नहीं। और ये सब इसके दोस्त हैं भाई, क्लास मतलब ट्यूशन आते थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यशराज को कभी इन लड़कों के साथ मत छोड़ना भाई। वहां पे देखो क्या कर रहे हैं वो लोग, उनके माँ बाप को दिखाओ। ये देखो क्या चल रहा है, मतलब ये लोग आने से पहले यहाँ पे इतना पीस था, कितना मतलब ऐसा हेवन लग रहा था, हेवन लग रहा था, मतलब ये जन्नत से कम नहीं था। बट ये लोग आ गए दूर दूर तक बाइक की आवाज सुन। भाई सुनो, व्लॉग देखते हो ना वो लोग, इसका व्लॉग देखते हैं मेरे वजह से ही, तुम्हारे व्यूज अच्छे लोग अच्छे लोग थे वो। फाइनली अभी हम गाड़ी के पास पहुंच गए, अभी चलते लंच भी करने हमें जाके देना। सर का जरा पाई धूप।